तो नमस्ते कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे तो यहाँ पे लगभग शाम के बज गए थे साढ़े चार और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में क्योंकि तो मुझे आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है क्लीनिंग का भी है दूसरे दो तीन काम है तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और जो ये आपको मैंने बुक्स दिया दिखाए ना ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए हुए हैं क्योंकि हुआ क्या ना मतलब पहले जो मैंने स्टैंड स्टोरेज का कॉर्नर में किचन में लगवाया था उसका वाला एक एक साइड का ये जो देखते हैं ना एक हुक वो ना पता नहीं मतलब निकल ही रहा है तो वो मैंने वो निकाल दिया पुराना और मिशो से मैंने एक्स्ट्रा वाली सिर्फ ये वाली हुक्स ना ऑर्डर करके ले लिए, लिए है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और ये मेरी यादरक जो है ना कम लगभग एक महीने की पहले की है तो अभी तक मतलब इतनी अच्छी आप देख सकते हो तो मैं क्या करती हूँ ना फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में वॉश करके अच्छे से सुखा के उसको उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए तो वो वाले याद रखना एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ तो सोचिए मतलब वो वाला भूख ना थोड़ा सा पाँच मिनट रेस्ट देते दे हैं तब तक चाय बना लेती हूँ तो वो भूक मैंने लगा दिया और लगाते थोड़ा मैंने उसे पाँच मिनट रेस्ट के लिए रख दिया तब तक मैं सोची चाय मेरी हो जाएगी तो ये वाले हुक्स ना आप देख सकते हो मतलब अगर आप ऐसे वाले स्टोरेज यूज़ कर सकते हो बिना मतलब ड्रिल किए या फिर आप वो वॉल को ड्रिल किए हुए खिला वगैरह उसमें और वो वाले यूज़ करने के बजाय अगर ये वाले यूज़ करते ना वो तो मुझे ये वाली बुक्स ना काफ़ी काम में आ रहे हैं मैंने एक्स्ट्रा के सिर्फ खाली बुक्स ही मंगा लिए थे मीशो से वन टे वन टेन में कुछ ट्वेल्व पीस मुझे रिसीव हुआ था तो वो भी काम में आ रहे है मुझे लगभग मेरे बाकी रह गए अभी तक सा, सात सात या आठ होंगे तो बस वो मैंने लगा दी और मेरा जो स्टैंड था ना मशीन के ऊपर पड़ा था कल रात से जैसे कि आपने मेरा नाइट रूटीन देखा होगा उस उसमें मैंने बताया था कि मतलब वो निकल गया है करके तो आज मैंने उसे लगा दिया नहीं तो इधर उधर सामान ना काफ़ी सारा स्टोर होता रहता है एक कोने में दिखने में भी अच्छा लगता है तो वो रखे रखे ना एकदम मतलब देख के मन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ही तो मैंने वो बिठा दिया और अच्छे से चिपक भी गया दूसरा वाला जो मेरा स्टिकर है वो साइड में लगाने का और चाय हस्बैंड को दे दी थी बच्चों को दूध भी दे दिया था और ये वाले जो मेरे छोटे वाले जो प्लांट्स है आप देख सकते हो वो मतलब पानी में मैंने रख के बॉटल में पानी डाल के उसमें उसमें ही ग्रो करने के लिए रखी हुई थी मैं आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसकी जड़ी ना आ गई है और ये वाला मनी प्लांट जो है ना लगभग मुझे कुछ आठ दिन ही हुए होंगे वो भी मैंने पानी में ग्रो करने के लिए रखा हुआ था तो ये अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है बट मतलब बॉटल्स छोटी हैं तो मैं सोची थी इसे पॉट में जो है ना रख देते मतलब पॉट में ही लगा देते तो मेरे ये मेरे पास ये वाला एक पॉट पड़ा हुआ था ब्लैक वाला प्लॉट मतलब वैसे ही था रखा हुआ था और ये वाले जो मिल्की मिस्ट के आप कंटेनर देख रहे हो आ, दही के तो उसमें ही मैंने ना आ, माती डाल के मतलब आ, मिट्टी डाल के रखी हुई थी इसमें ही मैं ग्रो कर लूँ बट ये वाला मेरे पास था मैंने निकलवाया था ऊपर रखा हुआ था तो मैं सोच इसमें ही लगा देती हूँ क्योंकि ये वाला भी पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है वो भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से ग्रो हो रहा है तो मैंने इसमें कुछ दूसरा डाला नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं डालने के लिए मिट्टी में मैं खाद लेके रख रही हूँ नर्सरी से ही तो वही थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं इसलिए सिंपल मैंने मिट्टी मिट्टी पॉट में डाल दी है और ये वाले प्लांट्स जो है ना उसमें मैं लगा रही हूँ मनी प्लांट्स भी साइड में थोड़ा सा एक वाला जो एक वाला जो साइड है मतलब एक वाला सेक्शन जो है ना वो दो लगा दिए थे मैंने कुछ इस तरीके से मनी प्लांट और दो बच गए थे मेरे तो मेरे पास और एक छोटा वाला पॉट है जबकि लगभग मैंने तीन या चार साल हुए होंगे तब लिया था डिमार्ट से दिखने में एक का अच्छा काफी अच्छा लगा काफी कलरफुल था कलरफुल थे काफी सारे कलर का ऑप्शन थे तो मैंने ये वाला एक लेके रख गए रख दी थी और इसमें पानी इतना आप जैसे ही मतलब पॉट आप दूसरी पॉट में हो ना प्लांट को लगा देते हो एक तो जैसे मेरा बॉटल का था उसमें से निकाल के मैंने ये वाले पॉट में लगा दिया है तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि वो पानी जो है ना नीचे से निकलना चाहिए तभी जाके जो मिट्टी है ना पूरी गीली हो जाएगी मुझे इतना तो नॉलेज है नहीं प्लांट्स का बट थोड़े थोड़े लगा रही हूँ और क्या है ना मतलब किराए का घर है तो मतलब ये सारी चीज़ें ना जैसे मतलब घर चेंज करने का तब काफ़ी मुश्किल होती है मुझे प्लांट का तो बहुत शौक है बट इतने सारे ना लगा नहीं सकती मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बगीचे के टाइप पे घर पे हो जाए तो चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे मैंने जो दूसरा वाला मेरा मनी प्लांट था वो इस वाले पॉट में एकदम तो छोटू सा पॉट है उसमें लगा दिया है और हुआ क्या ना मतलब ये मिट्टी जो है ना मैंने गैलरी में रखी हुई थी सूखने के लिए धूप में तो अचानक से बारिश हो गई तो मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई तो वही मिट्टी गीली ना गीली वाली मिट्टी ना मैंने इस पॉट में डाल दिया था छोटे वाले येलो कलर के तो ऊपर से मैंने थोड़ी सूखी वाली मि, मिट्टी जो है ना ऐड कर दी है और जैसे मिट्टी का काम हो जाता है मतलब गैलरी तो ख़राब होने वाली है ही और यहाँ पे होता क्या है ना मेरे बच्चे इधर उधर उनका कंटिन्यूसली चलता रहता है अगर थोड़ी सी भी मिट्टी रह गई यहाँ पे और उन्होंने मतलब पूरे घर में कर देंगे वो रेड 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 कर देंगे पूरा वाला घर इसलिए मैं सोची मतलब पानी डाल के वाइप वाइपर कर देती हूँ तो मिट्टी सारी जो है ना निकल जाएगी और साथ ही साथ में गैलरी भी मेरी क्लीन हो जाएगी और वैसे बारिश का मौसम तो एकदम बारिश का हो रखा है लग रहा है कि बारिश हो जाएगी बट बारिश तो हुई नहीं थी जैसे मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरी वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ जैसे आज मेरा वीडियो आ जाएगा एक बजे तक तो मैंने वॉइस ओवर किया नहीं था आधा काम वीडियो का हुआ था आधा काम बाकी था और देख सकते हो आप मैंने मेरा मेरी गैलरी वॉश हुई भी नहीं तो फादे वाश से आ गया तो बच्चों का कुछ इस तरीके से चलता रहता है एक साथ दोनों का तो यहाँ पे वो जैसे आ गया ना थोड़ा सा पानी लेके आ गया मेरा देख के और उसने गैलरी में पानी डाल दिया था तो फिर मैं आ गई फिर वाइपर के अच्छे से ड्राई भी हो गई थी गैलरी और स, मतलब ओपन गैलरी है ना इसलिए थोड़ी सी भी बारिश वगैरह चली ना एकदम जल्दी से खराब हो जाती है और उसके बाद गैलरी साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई थी किचन में ये वाला जो सेक्शन है ना डेली यूज में सबसे ज़्यादा काम ये वाले सेक्शन का भी सेक्शन का ही होता है किचन के ट्रॉली का ही होता है क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारा सामान मेरा जाता है दिखने में तो है छोटी बट सामान सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसी ट्रॉली में होगा छोटी मोटी सारी चीज़ें जैसे स्पूंस हो गए छोटे वाले बड़े वाले छन्नी चाय के कप्स ये फूड रैपिंग पेपर हो गया और छोटे वाले गिलास हो गए मतलब ये सारी चीजें छोटी मोटी ना काफी यहाँ पे रहती है और स्पेस में भी काफी अच्छा है तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आ भी जाती है तो इसीलिए काफी खराब हो रखा था मुझे दिवाली की जैसे किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है तो मतलब एक साथ ना ये सारी चीजें करना पॉसिबल है ही नहीं मतलब ये सारी चीजें निकालो फिर उसे वॉश करो क्योंकि ये वाले ना स्पून को ना मतलब, कोई -कोई स्पून ऐसे रहते कि मतलब हम लोग कुछ काम ही नहीं, नहीं पड़ता तो वो भी मतलब रखे रखे ना थोड़े से दाग धब्बे उसके ऊपर आ जाते हैं तो ये सारी चीजें मैंने जो भी मेरा सामान था मेरी सारी स्टील की कटोरी जो है ना छोटी वाली वो अच्छी थी बट सारे बड़े वाले स्पून छोटे वाले स्पून उसमें एक मैंने बास्केट रखा हुआ है छोटा सा ब्लू कलर का आप देख ही सकते हो वो वाला बास्केट ये सारी चीजें ना मुझे और स्क्रब करके मतलब स्क्रब करके वॉश करके लेनी थी तो सारी चीजें यहाँ पे मैंने निकाल ली है आप देख सकते हो कितने सारे स्पूंस मेरे निकल गए सारे स्पूं छोटे से लेके बड़े तक सारे कुछ सारा कुछ सामान मैंने ना अच्छे से स्क्रब कर लिया है लिक्विड से और यहाँ पे मैं वॉश करके रख देती हूँ और धूप तो है ही नहीं थोड़ा सा वेदर मतलब क्लाउडी चल रहा है इसलिए मैं क्या करूंगी ना स्टैंड मशीन के ऊपर रख दूंगी बाहर तो जैसे हवा चलती है ना तो थोड़ा सा मतलब ड्राई हो जाएगा नहीं तो मुझे मतलब ये वाली चीजें ना अरेंज भी करने तो ये वाला काम ना मेरा कल तक पेंडिंग हो जाएगा रह जाएगा और मेरी चाय बनी थी बच्चों का दूध भी हो गया था तो ये बर्तन भी थे मेरे शाम के चाय के तो साथ में वो भी वॉश कर लिए तो रात के रात में थोड़े से कम हो जाएंगे तो वैसे तो मैं शाम के बर्तनों से रख देती हूँ रात के बर्तन के साथ ही बट आज मुझे बड़े बर, सारे बर्तन वॉश करने थे जैसे कि छोटे मोटे स्पूस वगैरह तो एक इकट्ठा मैंने जो भी मेरे बर्तन पड़े थे शाम के आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन निकले हैं और अभी मैंने बड़ा वाला जो ये वाला स्टोरेज है ना बर्तन का ये वाला एक सुबह में साफ किया था वो मैंने अभी लगा दिया और आप देख सकते हो मतलब ये वाला मेरा जो ब्लैक कलर का ये है ना मतलब चाकू सब्जी कट करने का कहां पे मतलब <laughs> एकदम हाइड हो रखा था जैसे मैं स्क्रबर करने गई तब मुझे दिख 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 गया और आप देख सकते हो इतना मतलब नीचे भी मैं ना कुछ लाइनर डाल देती हूँ नीचे सामान के नीचे फिर भी इतना खराब हो रखा है क्योंकि ये वाला सेक्शन ना लगता है मुझे लगभग दिन में कुछ भी काम करना है किचन में तो ये निकालना ही पड़ता है तो लगभग पचास साठ बार दिन भर का इसे निकालना बंद करना चलता रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लिक्विड से ना पूरा स्क्रब कर लिया है उसके बाद एक कपड़े से मैं साफ कर ली ये मेरे ना पुराने जो कपड़े होते हैं मेरे कॉटन के प्योर कॉटन का है और मेरी जो कुर्ती होती है ना कॉटन की उसे ही मैं आ, कट करके यूज़ कर लेती हूँ और लेकिन मानिए काफ़ी अच्छे से इससे ना क्लीनिंग हो जाती है तो आप देख सकते हो रैकि ये वाला जो है ना कितना चमकने लग गया है अभी मेरे पास ये वाला लाइनर था आप देख सकते हो बट मुझे ऊपर से ना काफ़ी मतलब किचन में रख दो कलरफुल वाले कुछ लाइनर है एकदम तो फे, हेवी फील होता है तो मैंने पूरा मतलब उसे फोल्ड करके ना व्हाइट कलर का सेक्शन ऊपर से करूंगी साइड और जो ग्रीन वाला ब्लू वाला साइड है वो नीचे से कर दूंगी और इस, इस तरह से मैंने फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हुआ क्या रहे ना मैं ये काफी मतलब दो साल से यूज कर रही हूँ तो जिसी घर में जाओ उसके अकॉर्डिंग कट करके अगर आप यूज करने लग जाओ ना फिर दूसरी जगह पे जैसे हम लोग मूव हुए यहाँ पे तो वो वाली चीजें ना काम ही नहीं आती है तो मैं क्या करती हूँ जो भी ये मुझे ये ना तब वहाँ पे रैक में यूज करती हूँ तो बड़े वाले जो भी मैंने अभी थोड़ा सा बहुत फोल्ड किया है वो बड़े साइड साइज का ना मुझे काम आता था बट यहाँ पे हुआ क्या ना मुझे जैसे कि यहाँ पे लाइनिंग लगानी है ये वाली तो मैंने फोल्ड किया है तो आगे चल के जिस भी घर में हम लोग जाए तब मुझे मतलब कट करना मतलब कम ज्यादा अगर रखना है तो मैं रख सकती हूँ इसलिए मैं लाइनर ना कभी भी कट नहीं करती हूँ भले ये वाला जो है ना मुझे लाइनर लगभग आधा फोल्ड करके यहाँ पे डालना डालना पड़ा तब जाके ये यहाँ पे ना सेट हुआ है तो छोटी मुझे आपको शायद में ये वाली टिप्स मेरी आपको अच्छी लगी होंगी क्योंकि बार बार तो हम लोग यहाँ पे ये वाले लाइनर ना मंगा तो सकते हैं नहीं और वॉश करने के बाद एकदम के नए नए के जैसे हो जाते हैं ये लाइनर तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं इसे फेंक दूँ या फिर मतलब डाल दूँ यूज़ ना करूँ तो मैं छोटी वाली टिप्स ना ये वाली मेरे काफ़ी काम में आती हैं और काफी सारे मेरे पास ये वाले लाइनर है जो कि सारे भी मुझे मतलब काम में आ गए क्योंकि मैंने कट नहीं किए थे फोल्ड करके यूज किए थे तो यहाँ पे लगभग शाम का टाइम है और काफी जल्दी अंधेरा हो रहा है आजकल दिन भी काफी छोटा हो गया है और लगभग छह बजे सवा छ बजे ही ना अंधेरा हो रहा है ऊपर से आज तो क्लाउडी मौसम है तो जल्दी अंधेरा हो रहा है जल्दी अंधेरा हो गया था और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो शाम का व्यू काफी अच्छा है और इस तरीके से मेरे रोजना काम चलते रहते हैं छोटे मोटे मैं एक दिन में काफ़ी सारा काम ले कर लेती हूँ जो भी मेरे पेंडिंग काम पड़े होते हैं लग मैं दो तीन काम तो दिन के काम छोड़ के एक्स्ट्रा वाले काम कर ही लेती हूँ ऐसा मेरा रूटीन रहता है चलते है अभी तक तो, तो वही चल रहा है और सच बताओ ना जब से मैं वॉकिंग जा रही हूँ काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है और मुझे दो आफ्टरनून में सोने की इतनी आदत लग गई थी ना कुछ भी कर लो छूटी नहीं रहती बट अभी मेरी वो वाली आदत भी ना छूटी गई है एकदम से बस मैं एक पंद्रह मिनट वगैरह लेट जाती हूँ फिर उसके बाद मेरे स्टार्ट हो जाते हैं काम घर के कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और कितना भी घर के काम करो ना मुझे लगता है कि खत्म होने वाले है नहीं अगर ना करें ना मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा रहता है घर का कुछ ऐसा मुझे लगता है और मेरे रोज ना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वाले काम निकल के आते हैं आज मुझे घी बनाना था बट घी बनाना हुआ नहीं क्या क्योंकि इतने सारे दूसरे वाले जो काम थे वो मैंने कर लिए थे और जैसे दिवाली आ रही तो मैं सोच रही हूँ दिवाली के दस दिन पहले मेरा घर का सारा क्लीनिंग डीप क्लीनिंग मेरा घर हो जाए और अच्छे से चमकने लग जाए तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग एक साथ तो किचन की कर किचन का करना पॉसिबल है ने बर्तन साफ करने से लेके तो यहाँ पे मैं एक 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 एक, एक रैक निकाल रही हूँ रोज़ कुछ ना कुछ इस तरीके मेरी क्लीनिंग चल रही है और मैंने सुबह ने ना सुबह ने सुबह में ना फ्रिज के जितने की डोर के जितने भी मेरे छोटे मोटे रैक्स थे रखे लगाए हुए वो सारे मैंने निकाल के साफ किए फ्रिज का डोर अच्छे से साफ़ कर लिया और फ्रिज में सामान ना इतना सारा हो गया था वो सारी थोड़ी सी डी चीज़ें करनी थी वो भी कर दी और आ, काफ़ी फ्रिज मेरा छोटा है तो मतलब स्टोरेज ना जल्दी फुल हो जाता है थोड़ा कुछ भर लूँ तो मैं ज़्यादा तो चीज़ें कुछ रखती नहीं बट बेसिक जो चीज़ें होती जैसे करी पत्ता धनिया हो गया मलाई हो गई मेरी और मसाले रहते ही है वेजिटेबल्स कुछ ना कुछ पड़े रहते ही है ज़्यादा तो मैं स्टोर नहीं कर रही अभी मुझे फिलहाल एक सब्जी मार्केट सारी सब्जी का मिल गया है ठेला तो देवांश को स्कूल से आते टाइम वहाँ से मैं लेके आना प्रेफर कर रही हूँ जाना तो पड़ता ही है तो साथ में मैं सब्जी कल की और ना ये रात की सब्जी लेके आ जाती हूँ तो अभी कुछ इस तरीके से मेरा मैनेजमेंट चल रहा है घर को मैनेज करने का चल रहा है तो और आप अगर ऐसे फॉलो करोगे ना सचे आपका काफ़ी सारा काम हो जाएगा आपको बोर भी नहीं लगेगा और मुझे इतना मतलब जैसे ही मेरी सोनी की आदत छूट गई है ना मुझे नींद ही नहीं आ रही मैं दस पंद्रह मिनट लेट जाती हूँ थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग का कुछ होता है वो कर लेती हूँ तो मतलब मुझे भी ईजी हो जाता है वीडियो एडिटिंग करने के लिए नहीं तो लगभग मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे लग रहा है ढाई घंटे तो आराम से लगते ही है तो ये सारा टाइम रात में मुझे देना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मुझे रात में कितना भी जल्दी कर लो सोने के लिए साढ़े नौ दस बज बज ही जाते हैं मेरे मम्मी की भी तबीयत आजकल अच्छी चल नहीं चल रही तो उनका उनको कॉल करना पड़ता है तो रात में आराम से मुझे दस सवा दस बज ही जाते हैं तो बस यहाँ पे मैंने सुबह में लगा दिए थे दो लॉट कपड़ों के इसीलिए मेरे जो कपड़े थे ना वो पड़े हुए थे आ, मतलब जो डेली यूज के कपड़े हैं तो मैंने अभी मशीन लगा ही दी थी शाम में ही और मेरे कपड़े भी काफ़ी अच्छे से वॉश हो गए थे मैं क्या कर लेती हूँ ना डेली अगर थोड़े कपड़े रहे हैंड वॉश के तो मैं हैंड वॉश ही कर देती हूँ बट आज मुझे बेड वगैरह लगवानी थी डेली यूज़ के भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने थोड़े उस बालकनी में रख दिए क्योंकि ऊपर से किचन वाली बालकनी ना मेरी कवर है तो वैसे बाहर तो शाम रात कपड़े बिल्कुल भी आपको नहीं रखने चाहिए ये मतलब बहुत बड़ी गद्दी बात गद्दी बात है ये बिल्कुल भी खराब नहीं है अच्छी नहीं है मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे थे ना तब से बताती थी, थी कि बाहर कपड़ा मेरी मम्मी भले ही सूखे ना सूखे जैसे कि बारिश के दिन में कहा मतलब गाँव में मशीन रहती थी हैंड वॉश ही करना पड़ता था, था बारिश के दिनों में कपड़े सूखते ही नहीं थे बिल्कुल तो मेरी मम्मी ना घर पे अंदर लाके चेयर के ऊपर उधर चेयर के ऊपर इधर उधर सारी चीज़ें मतलब सारे कपड़े ना डाल देती थी बट बाहर बिल्कुल भी एक भी कपड़ा नहीं रखती थी तो ये वाली मतलब जैसे ही मेमरीज है तो वैसे ही मैं भी फॉलो करती हूँ और बो और बोला भी जाता है ना काफ़ी निगेटिविटी रहती है रात में तो बच्चों के तो कपड़े नहीं बड़ों के भी कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मेरी मम्मी भी ना छोटे बच्चों के जैसे कपड़े थे श्री हो गया देवांश के टाइम पे छोटे मोटे जो बच्चों के कपड़े रहते थे जैसे थोड़ा अंधेरा होने का टाइम आ गया ना फटाक से निकाल के ला लाती थी तो मैंने वही देखा है सारी चीज़ें और बस यहाँ पे देवांश को लेके आ गई थी मैं आते टाइम मैंने बोला ना आपको सब्जी लेके आ रही हूँ तो यहाँ पे टमाटोर बिल्कुल भी खत्म थे और जैसे कल की कल फ्राइडे है तो हमारे सोसाइटी के बाहर सब्जी मंडी लगती है तो तब मैं टोमेटो लेके आ जाऊँगी बट अभी मुझे बिल्कुल भी टोमेटो नहीं था कल भी मुझे लगेगा इसलिए मैं यहाँ पे पाओ के जी टोमेटो लेके आ गई थी और ये वाला कस्टर्ड एप्पल आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा मिल रहा है तो दो दिन में एक किलो तो मुझे लगता ही है तो आते टाइम लेके आ रही हूँ और टेस्ट में भी ये वाली अच्छे लग रहे हैं मीठे है एक की। मतलब गांव के जो टाइप सुसाइड ना वैसे वाले तो बस यहाँ पे सब्जी के लिए भी लेके आ गई थी मैं तो फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा आज का जो एनर्जेटिक रूटीन है मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है मैं मिलती हूँ आपको ऐसे नए वीडियो के साथ में नए दिन के साथ में तब तक के लिए बाय